हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराज अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश रीडर का 11 लेसन था द एंट एंड द डव, वो कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी कर लिया होगा बच्चों, और उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज मैं आपको न्यू लेसन स्टार्ट कराने जा रही हूँ आपके इंग्लिश रीडर का, जो है हमारा आवर लोकल टीम। आवर लोकल टीम जो है, इसमें बेटा क्रिकेट के प्लेग्राउंड के बारे में बताया। क्रिकेट तो आप सबको जानते होगे, वो आपका फेवरेट गेम है, सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होगे, तो उसके बारे में प्लेग्राउंड के बारे में इसमें बताया गया है। ये हमारी एक पोयम है, ठीक है बेटा। तो इस पोएम के जो पोइट हैं, जिन्होंने ये लिखी है, उसका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है बेटा पोइट का? रस्किन बॉन्ड। जो पोइट है वो हमारे कौन है बेटा? रस्किन बॉन्ड। इसमें रस्किन बॉन्ड ने प्लेग्राउंड के, क्रिकेट का जो प्लेग्राउंड होता है, उसके बारे में बताया है। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं आप रीड करती जाती हूँ, आप भी रीड करते जाना, ओके बच्चों, जिससे आपको प्लेग्राउंड के बारे में कुछ मतलब नॉलेज हो सके, ठीक है। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, जो फेवरेट है उनको, ठीक है, इंटरेस्ट लेके वो सुनना। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम, आवर लोकल टीम। हमारी जो लोकल टीम होती है उसके बारे में बताया गया है इस पोयम में, और इंजॉय लेके सारे बच्चे इस पोयम को सुनना। हेयर कम्स आउट आवर बैटिंग हीरो, सैल्यूट द क्राउड, टेक्स गार्ड एंड आउट फॉर जीरो। जब हमारा शुरू का जो बैटिंग करने वाला बल्लेबाज आता है, तो वो सैल्यूट करता है सभी को। क्या करता है बेटा? सलाम करता है। सैल्यूट मीन होता है सलाम करना। क्या होता है? सलाम करना सभी को। वो ग्राउंड में जब आता है, वो क्या करता है बेटा? सलाम करता है, ठीक है। क्राउड मीन होता है भीड़, जो स्टेडियम में लोग देखने जाते हैं, ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा क्राउड हो जाती है, भीड़ हो जाती है। टेक्स गार्ड, गार्ड भी रहते हैं, एंड आउट फॉर जीरो। जब वो गेंदबाज आता है प्लेग्राउंड में, तो सभी को सलाम करता है और भीड़ को, और फिर आके वो क्या हो जाता है बेटा? जीरो पर आउट हो जाता है। तो सारे जो उसके वो होते हैं, देखने वाले दर्शक होते हैं, सब बेचारे क्या हो जाते हैं बेटा? मायूस हो जाते हैं। ही इज इन अगेन टू स्ट्राइक ए टोन, और फिर उसके बाद दोबारा किसी पे स्ट्राइक आती है, जो दूसरा व्यक्ति होता है खेलने वाला। ए लवली सूट, देन आउट फॉर वन। और वो लवली सूट मीन होता है बहुत बढ़िया, मतलब जब उस पर स्ट्राइक आती है तो वो बहुत बढ़िया गेंद शॉट मारता है, देन आउट फॉर वन। और फिर उसके बाद वो भागकर एक रन ले लेता है, पिच पर भागकर एक रन लेता है। आवर डिमोन बाउलर रन्स इन क्विक, जो बॉलर होता है वो जल्दी से भागकर बॉलिंग मारता है, बॉलिंग देता है, ठीक है। ही इज रियली फास्ट, थ्रो हिट फॉर सिक्स, और वो बहुत फास्ट देता है, मतलब बहुत तेज दौड़कर बॉलिंग करवाता है, और थ्रो हिट फॉर सिक्स। बट जो बल्लेबाज होता है वो क्या करता है बेटा? बैट से उस बॉल को मारता है, और किसके लिए मारता है? सिक्सर के लिए। तो छह रन का हिट जो लगा, सिक्सर होता है 6 रन का, तो वो हिट मारता है। इन केम देयर स्लोगर, ही स्विंग हिज बैट, और जो उसका फिर उसके बाद स्विंग हिज बैट, जब उसका बैट जो है वो हवा में घूमता है, एंड मिस्ड बाय इंचेस, और बॉल जो है वो विकेट के साइड में से निकल जाती है। जो विकेट होती है तो उसके साइड में से बॉल मिस हो जाती है कुछ ही इंच से, वो आउट होने मतलब आउट नहीं होता है। तो आवर विकेट कीपर गेटिंग स्टिचेस, और जो हमारा विकेट कीपर मतलब विकेट के पीछे जो खड़ा होता है,
तो वो विकेट कीपर उसके आज मतलब बॉल को रोक लेता है। विकेट कीपर तो आपको बेटा पता होगा कि क्रिकेट में विकेट कीपर कौन सा होता है और बल्लेबाज कौन सा होता है और बॉलिंग करने वाला कौन होता है, एम्पायर कौन होता है, ये तो आपको पता होगी। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि जो बल्लेबाज आता है, भीड़ को सलाम करता है और हिट मारता है तो भी सब चेयर करते हैं उसकी, ठीक है बेटा। और जब बल्ला स्विंग वो मारता है, मिस हो जाती है बॉल, तो जाकर पीछे कहाँ चली जाती है, विकेट कीपर के पीछे चली जाती है, ठीक है। वेयर आवर कैप्टन, फिर उसके बाद मतलब कैप्टन कहाँ है, कप्तान कहाँ है, इन द डीप व्हाट ही इज डूइंग, वो कितना गहरा मतलब चला गया। इसमें तो लोकल टीम के बारे में बताया गया है कि भाई कहाँ चला गया, फास्ट एस्लिप, कहीं वो सो तो नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो फास्ट भी नहीं खेल रहा, कहीं वो सो तो नहीं रहा है। लास्ट मैन इन, और जब सारे मतलब आउट हो जाते हैं, लास्ट में एक व्यक्ति आता है, लास्ट वाला आता है जो बच जाता है, ही किक्स बाउंड्री विद हिज पैड, और वो बाउंड्री को किक्स मतलब किक मीन होता है पाँव मारता है, बाउंड्री को किक मारता है अपने पैड से कि भाई आउट हो गया लास्ट, LBW या नॉट आउट, मतलब जब एम्पायर जो होता है वो LPW है या वो आउट जो लास्ट का व्यक्ति होता है या नॉट आउट है। तो इसमें रस्किन बोर्ड ने यही बताया कि भाई जो ये प्लेग्राउंड के बारे में बताया है, ये पॉइंट कहता है कि जो लास्ट वाला व्यक्ति है जब उसने मतलब अपने बैट से बॉल को मारा वो LPW है या नॉट आउट है। द एम्पायर इज डेड, जो एम्पायर है वो बताएगा कि भाई वो क्या है कि LPW है या नॉट आउट है, वो आउट हुआ है या नहीं। तो स्टूडेंट इसमें पॉइंट ने प्लेग्राउंड के बारे में बताया है, आई होप आपको पता भी चल गया होगा क्रिकेट के प्लेग्राउंड के बारे में कि भाई बल्लेबाज आता है, हिट मारता है, सिक्सर मारता है या फोर मारता है, अगर उसकी बिल जो बॉल है मिस हो जाती है तो उसका बल्ला स्विंग होता है तो पीछे विकेट कीपर के पास चली जाती है, और जो एम्पायर होता है वही बताता है कि भाई LPW है, नॉट आउट है या आउट है। तो इसमें जो हमारी आवर लोकल टीम जो लेसन है वो जो पोयम है वो पूरी हो गई है, कंप्लीट करा दी है मैंने। आई होप आपको समझ में आई होगी, फिर भी ना समझ में आए तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। बट आपको जब समझ में आएगी, जब इस पोएम को आप 2 and 3 times रीड कंटिन्यू करोगे तभी आपको रीडिंग अच्छे से और भी आएगी। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।